अब यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल और करेंट सोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडियल सोर्सेस, आइडियल सोर्सेस, ठीक है। अब यहाँ वो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है दो टाइप्स के जो सोर्सेस होते हैं बेसिकली, वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्हाट इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडियल करेंट सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स जो होता है, लेट अस टेक कि हमारे पास एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इसके जो है सीरीज में होता है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ठीक है। और अगर हमारे पास करंट सोर्स होता तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके पैरेलल में होता है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर यहां पर क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो यहां पर मुझको टर्मिनल वोल्टेज जो मिलना चाहिए, VT is called as the terminal voltage. It should be the same as the voltage supplied. जैसे कि आपके पास कोई भी बैटरी होगी तो बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ऐसी कोई बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब क्या, बैटरी में जितना भी EMF आए वही आपको जो टर्मिनल टर्मिनल्स पे भी सेम टू सेम वोल्टेज मिले। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज द बैटरी हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां पर क्या बोला है कि यहां पर कोई भी आपके पास वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा होगा और प्रेजेंट होगा। बट इफ आई एम टॉकिंग द आइडियल वोल्टेज सोर्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये यहां पर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये सर ये आपका जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आर इन विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा सर, शॉर्ट हो गया। तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज इक्वल हो गया। इट मींस दैट व्हाट यू आर गेटिंग, VT इज इक्वल टू V, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द EMF सप्लाइड। एंड दिस इज ओनली फॉर द आइडियल कंडीशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है जीरो होना चाहिए फॉर द आइडियल कंडीशन, बट फॉर द प्रैक्टिकल कंडीशन वी हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रैक्टिकल की, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमारे पास क्या होगा, यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस होगा और यहां पर आपके पास क्या होगा, वोल्टेज प्रेजेंट है, मान लीजिए V प्रेजेंट है, दिस इज द आर इन, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पर अगर आपको जो टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है तो बेसिकली कितना आएगा, आप इस चीज को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, अभी मैंने आपको जो ओम्स लॉ केवल केसल कुछ भी नहीं बताया, बट इतना तो आपको जो ध्यान में होगा, V = IR होता है, V = I × R होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इतना तो हमको जो है दिमाग में रहेगा ही, इतना तो बच्चा लोग जो है 12th में भी पढ़ता है कि V = I × R, ओम्स लॉ, उतना ही यहां पर चाहिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहां पर क्या मान लीजिए, यहां पर करंट आपकी जो आई फ्लो रही है और यहां पर करंट आपकी जो आई फ्लो रही है, इन दैट कंडीशन हम लोग जो है देख सकते हैं कि V is equal to the terminal voltage, मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर V और I के बीच में अगर जो है ग्राफ बनाऊं तो द वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज आपको जो है टर्मिनल वोल्टेज आपको जो है VT = आपको जो है कितना मिल रहा है, VT = आपको जो है V मिल रहा है। बट इज इट एग्जैक्टली सेम इन द प्रैक्टिकल सोर्स ऑल्सो, वी हैव टू फाइंड इट आउट, लेट अस फाइंड इट। देखिएगा तो यहां पर कितना मिलेगा सर, यहां पर क्या होगा, इसमें से इतना आपका जो ड्रॉप होगा, इसमें से इतना ड्रॉप होगा, इसमें से इतना ड्रॉप होगा, जो बचेगा वो वोल्टेज यहां पहुंचेगा। भैया I × R का ड्रॉप होगा, यहां पर नहीं होगा, भैया I × R यहां पर जो है ड्रॉप होगा, तभी तो करंट आगे बढ़ रही है। यहां पर करंट आपकी जब बढ़ेगी तो यहां पर एक ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप के बाद जितना वोल्टेज बचेगा वो आपको जो है लोड में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल टू द ड्रॉप इन वोल्टेज हियर प्लस द टर्मिनल वोल्टेज विच यू आर गेटिंग एट द टर्मिनल्स A और B। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में क्या आपको ये वोल्टेज इस वाले वोल्टेज के इक्वल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर, कुछ ना कुछ यहां पर ड्रॉप हो रहा है, और वो ड्रॉप क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर वी और आई का ग्राफ बनाता तो यहां पर मुझको यहां पर कितना चाहिए था सर, एग्जैक्टली मुझको वी चाहिए था, बट मुझको वी यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिल रहा है, कुछ यहां पर ड्रॉप हो रहा है।
करंट जैसे जैसे बढ़ेगी यहां पर ड्रॉप उतना ज्यादा होगा और उतना कम आपको जो है वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पे, क्योंकि इसको मैं बोल सकता हूं V इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, I into R प्लस टर्मिनल वोल्टेज VT. इट मींस दैट VT विल बी इक्वल टू कितना हो गया, V माइनस ऑफ I into R. If I am increasing the value of the current, the terminal voltage starts reducing because of the negative sign. As you are increasing the value of the current, the voltage at the terminals starts reducing because of the negative sign. तो यहां पर क्या, जैसे जैसे आप यहां पर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका वोल्टेज जो है डिक्रीज कर रहा है, तो टर्मिनल में आपको जो है वोल्टेज जो है सेम नहीं मिलेगा. बट इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज इज एग्जैक्टली सेम. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है सर? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जीरो होता है, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, विच इज ऑलवेज इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स. ये बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल बात है, और ऐसी चीजों को गलती नहीं करने का, ठीक है? ये बात आपको जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी कि आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है करंट सोर्स है. तो करंट सोर्स में बेसिकली जो है क्या होता है, करंट सोर्स, ठीक है? अब यहां पर देखिएगा, ठीक है? अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि आइडियल करंट सोर्स, ठीक है? आइडियल करंट सोर्स, ठीक है? यहां पे देखिएगा, आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या करंट सोर्स है, ठीक है ना? इस करंट सोर्स का, इसको मैं लिख रहा हूं IS. करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं बोल रहा हूं वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन द सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, इट मींस दैट द करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन द पैरेलल. किसमें होगा? पैरेलल होगा विद द करंट सोर्स. तो यहां पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज द R इंटरनल इज इन द पैरेलल विद द करंट सोर्स, एंड दिस इज द टर्मिनल्स, ठीक है? VT इज द टर्मिनल. अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, इससे आपको एक बात और क्लियर होगी. जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास करंट सोर्स जो है 10 एम्पियर का है, तो आप लोड पे क्या चाहेंगे कि सर हमको जो है 8 एम्पियर मिले? क्या आप ऐसा क्या आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हम 10 एम्पियर का जो है करंट सोर्स मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, तो हमको 10 एम्पियर ही चाहिए, हमको उससे कम नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर जो आपको करंट मिलनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू आईएस, बट आपको जो है उतना करंट नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू दिस, दैट्स व्हाई द करंट्स गेट डिवाइडेड. यहां पर जो भी करंट फ्लो होगी वो यहां पर जाएगी और यहां पर जाएगी, तो करंट आपको जो है लोड में कम मिलेगी बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अगर मैं आइडियल कंडीशन के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आइडियली आपका जो है क्या होना चाहिए, आर इनपुट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए सर? इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका इनफाइनाइट होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. इन दैट कंडीशन द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस सेक्शन, इन दैट कंडीशन द करंट विल फ्लो टू द लोड ओनली, एंड वी वॉन्ट होल करंट टू द लोड. We want the whole current to the load. इसका मतलब क्या होना चाहिए, Ideally the R internal should be equal to infinite in case of the current sources. In case of the ideal current source, internal resistance कितना होना चाहिए, infinite होना चाहिए. But practically क्या होता है, कुछ ना कुछ आपकी जो है internal resistance यहाँ पर जो present होती है. अगर मान लीजिए यहाँ पर R internal is equal to infinite होता, तो सर इसका मतलब ये होता कि यहां पर आपकी जो है कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, टोटल करंट आपकी जो है IT दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल करंट के बराबर होती. IT इज इक्वल टू टर्मिनल करंट के बराबर होती. अगर मैं यहां पर जो है ग्राफ ड्रॉ करता I और V के बीच में, तो आप वोल्टेज कुछ भी रखते हैं सर, करंट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि करंट में आपका कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा. जो करंट यहां से फ्लो रही वही करंट आपको जो लोड में मिली, आप वोल्टेज कुछ भी रखो, वोल्टेज इंक्रीज करो डिक्रीज करो, क्या कुछ यहां पर कोई और टर्म है करंट को डिक्रीज करने का? नहीं टर्म है. इसका मतलब द करंट विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वोल्टेज, ठीक है? अब हम लोग यहां पर जो देखते हैं कि अगर आपके पास जो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा. प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है ना?
इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो है प्रेजेंट होगा ऑफ द करंट सोर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द IS, और यहां पर क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द करंट सोर्स दैट इज इक्वल टू RI, और यहां पर मान लीजिए आपके पास जो है करंट जो है IT फ्लो हो रही है, दैट इज द टर्मिनल करंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द VT, टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है। अब हम उसको ये बताइए, जो वोल्टेज VT यहां पर है वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस आएगा, द वोल्टेज विच इज हियर द सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द RI ऑल्सो, पॉइंट इज सेम, या फिर आप इसको एक काम करिए यहां से बना लीजिए अगर आपको जो है दिक्कत हो रही हो तो, ये सब पॉइंट क्या है, सेम है सर। इसका मतलब क्या होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या आएगा सर, VT आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके अक्रॉस करंट पूछूं दैट विल बी इक्वल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या होता है सर, I into R। अभी आपने बताया है इतना तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं, तो I विल बी इक्वल टू V/R होगा। तो V यहां पर कितना है, VT है सर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा। तो यहां पर जो आपकी करंट फ्लो रही है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I विल बी इक्वल टू VT डिवाइड बाई RI, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से आपको जो है करंट मिल गया विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स, क्लियर है। तो अब आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द IT विच यू आर गेटिंग, तो IT विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, दिस माइनस ऑफ दिस करंट, इट मीन्स दैट द करंट विल बी IS माइनस ऑफ I, दैट इज इक्वल टू IS माइनस ऑफ I इज इक्वल टू VT डिवाइड बाई RI, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास जो है यहां पर मुझको जो है ग्राफ बनाना है, इधर बनाता हूं, ठीक है, इधर देखिएगा, शायद इधर आपको दिखने रहा हो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर कि अगर मान लीजिए मुझको यहां पर वो जो ग्राफ बनाना है बिटवीन द I एंड V, तो करंट हमारे पास क्या है, I है, और यहां पर वोल्टेज क्या है, मेरे पास V है। तो करंट बेसिकली आपको क्या चाहिए था सर, हमको जो कॉन्स्टेंट चाहिए था, दैट इज इक्वल टू IT शुड बी इक्वल टू I, बट IT शुड बी इक्वल टू IS, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर, IT में IS में से कुछ कमी हो जा रही है, और वो कमी क्या है, I है। इसका मतलब क्या, अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, आप यहां पर देख सकते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट IT स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, द करंट IT स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज VT, VT अगर आप बढ़ाएंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, तो यहां पर क्या हो रहा है, IT आपका जो डिक्रीज कर रहा है दैट इज अ टर्मिनल करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी करंट जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, उसके जो है पैरेलल में होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, RI होती है, और उसके पैरेलल में लगी होती है। और अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो क्या होगा, उसका जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो है सीरीज में लगा होता है, और आइडियली इट शुड बी जीरो इन केस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, एंड आइडियली इट शुड बी इनफिनिट इन केस ऑफ द करंट सोर्स, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इसके बाद हम लोग यहां पर जो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग यहां पर जो पढ़ते हैं, तो अब समझिए, अब यहां पर जो कनेक्शंस मैं कर रहा हूं, तो कनेक्शंस का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग यहां पर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में लगे हो, तो जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, पहले इसको लगा देता हूं, ठीक है, ध्यान समझिए, अगर सपोज इट कि आपके पास वोल्टेज सोर्स लगे, एक लगा हुआ है, ठीक है ना, एक आपके पास क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा है, इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक और वोल्टेज सोर्स लग गया, ठीक है, This is V1 and this is V2. What is the voltage across the load? आप बताइए। तो सर अभी आपने क्या बताया था कि पैरेलल में हमेशा जो है वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज जो है सेम रहेगा, इसका मतलब ऐसे कुछ भी लगा हो ये आपका तभी लग सकता है जब आपका V1 will be equal to क्या होगा सर, V2 होगा। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा जो है सेम होता है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, सीरीज में करंट सेम होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास यहां पर जो है दो करंट सोर्स में आपको लगा दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर जो है दो करंट सोर्स यहां पर लगा दूं, लेट अस टेक कि एक आपके पास 1 एम्पियर का है और एक आपके पास 3 एम्पियर का है, तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर यहां पर 3+1 कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बट सॉरी यू आर रॉन्ग, द करंट शुड बी सेम। तो ऐसा अगर सर्किट में लगा हुआ तो दिस इज रॉन्ग सर्किट, और ऐसा क्वेश्चन आपके गेट और ESC में बहुत बार पूछा गया है, करंट सोर्स को सीरीज में लगा करके पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द लोड, इन दैट क्वेश्चन दैट वन ऑप्शन वाज गिवन, नन ऑफ दीज, और द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका एक ही करंट सोर्स लग सकता है सीरीज में,
अगर मान लीजिए यहां पर 1 एम्पीयर का होता तो क्या होता, तो सर 1 एम्पीयर का होता तो एकदम सही होता, कोई दिक्कत नहीं होता, 1 एम्पीयर होता तो मैं इस बात को मान लेता, ठीक है ना। बट अगर ये 1 एम्पीयर का लगा तो यहां पर मान सकता हूं, क्योंकि यहां पर सर्किट में आपको जो 1 एम्पीयर की करंट आपकी फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर किसी और एम्पीयर का यहां पर लगा तो इसका मतलब दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है। और वोल्टेज क्या होना चाहिए, ऐसे ही पैरेलल में हमेशा आपका जो सेम होना चाहिए, सीरीज में करंट आपके जो है सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहां पर I1 का लगा है और I2 का यहां पर जो करंट सोर्स लगा है तो I1 शुड बी इक्वल टू I2 होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जैसे मेरे पास क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स लगा है, ध्यान समझिएगा, मेरे पास क्या लगा है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक करंट सोर्स लगा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड कंडीशन। और यहां पर मान लीजिए एक आपके पास रेजिस्टेंस है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके जो गेट में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी आप सुनिए बस, ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सोर्स लगा है और यहां पर पैरेलल में इसके जो है करंट सोर्स लगा है और यहां पर रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें कौन डोमिनेंट होगा, ध्यान समझिएगा। तो यहां पर पैरेलल में हमेशा वोल्टेज वाला डोमिनेंट होता है, करंट सोर्स की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि यही वोल्टेज आपको जो है लोड पे मिलेगा। तो पैरेलल में हमेशा आपका जो है वोल्टेज सोर्स डोमिनेंट होता है, पैरेलल में ऐसा क्या होता है, वोल्टेज सोर्स डोमिनेंट होता है। बट अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर जो है इस तरह से कनेक्टेड है, मान लीजिए यहां पर आपके पास करंट सोर्स आई कनेक्टेड है और यहां पर लोड लगा हुआ है, तो आप मुझको ये बताइए विच इज डोमिनेंट हियर। इन दैट केस द करंट सोर्स विल बी डोमिनेंट हियर, इट मींस दैट द आई करंट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस द लोड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज सोर्स विच इज गिवन। यहां पर क्या, वोल्टेज सोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर करंट उतनी ही फ्लो होगी आपके जो लोड में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द करंट सोर्स हियर। एंड इन दिस केस द सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड इररेस्पेक्टिव ऑफ द करंट विच इररेस्पेक्टिव ऑफ द करंट सोर्स विच इज गिवन हियर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं यहां पर, ये सब बातों को मैं गलती नहीं करेगा, 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, इसको भी हटाता हूं मैं और नई चीज लेके आता हूं, ठीक है। अगर सपोज दैट कि मेरे पास यहां पर जो वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा होता है, ठीक है, कनेक्शन ऑफ द वोल्टेज सोर्स ऐसे है और कनेक्शन ऑफ द वोल्टेज सोर्स मेरे पास ऐसे है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड और व्हाट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द लोड्स, व्हाट इज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द वोल्टेजेस व्हेन द नेगेटिव प्लेस प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, इट मीन्स दैट बैटरी इज सपोर्टिंग इन नेचर। अगर यहां पर नेगेटिव प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होंगे, अपोज करेंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, अपोज होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, इट मीन्स दैट दे आर सपोर्टिंग टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, आपके जो है दोनों वोल्टेज, अगर ये V1 है और अगर ये V2 है, तो टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग इन नेचर। बट इन दिस केस अगर ये आपका V1 है और ये आपका V2 है, तो दे आर अपोजिंग इन नेचर, बिकॉज द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो यहां पर कितना वोल्टेज आएगा, सर यहां पर वोल्टेज V1 माइनस V2 हो सकता है, या फिर V2 माइनस V1 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द, अगर आपका V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो ये होगा, अगर आपका V2 इज ग्रेटर देन V1 है तो ये होगा। बात क्लियर है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करता हूं करंट सोर्स की, तो एक मान लीजिए यहां पर करंट सोर्स आपका ऐसे है और एक करंट सोर्स आपके पास ऐसे है, ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ है। अब मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, मान लीजिए I1 है और ये मान लीजिए I2 है, तो यहां पर करंट आपको जो है कितनी मिलेगी, फाइनली दोनों आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कितनी करंट मिलेगी, सर यहां पर I1 प्लस I2 मिलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पर करंट सोर्स ऐसे लगा हुआ है और एक इसके रिवर्स में लगा है, यहां पर एरो जो होता है वो आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है, एक ऐसे लगा हुआ है, तो अब आप मुझको ये बताइए, अगर ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द लोड, इन दैट केस I1 माइनस ऑफ I2, क्योंकि ये आपके जो करंट इधर जा रही है और ये नीचे जा रही है, तो यहां पर कितना जाएगा, I1 माइनस ऑफ I2, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपकी जो है सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज आगे चल करके आपको जो है गलती नहीं करना, ठीक है ना, क्लियर है ये बात, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।